विधायक जी, जो आपने जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, अभी 21 तारीख को जो इलेक्शन है विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा के, उसको लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हो, क्या कहना चाहेंगे सर आप? एक्टिव तो हम 5 साल पूरी तरह रहे, जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में शरीक होकर, और जो अपने उनके जो जिम्मेदारी थी जनता ने हमें दी उसको अच्छी ईमानदारी से निष्ठा से निभाया। और अब जैसे विधानसभा के चुनाव ये जब शुरू हुए, 1 तारीख को हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, उसके लगभग आज 18 तारीख तक लगभग मेरा पूरा क्षेत्र कवर हो चुका है। इसमें सभी गांव और सभी शहर कवर कर चुके हैं। आज ये आखिरी हमारा इधर का इस क्षेत्र का चकदा गांव है, लास्ट में बस्तली गुदा और चकदा करके, तो लगभग इधर का सारा हमारा कवर हो जाएगा। इसमें बड़े गाँव छोटे गाँव सब में हमने अच्छा समर्थन जनता का मिला और लोगों का आशीर्वाद मिला। और जो हमने 5 साल इस क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किए, तो जनता का भरपूर आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले इन जो 21 तारीख को चुनाव होंगे, तो जनता का पूरा और भरपूर आशीर्वाद प्रदेश भर के सभी हमारे जितने प्रत्याशी हैं सबको मिलने वाला है। और मैं अपनी सीट की बात करूँ तो पिछली बार 35,000 वोटों से जिताकर इस क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था, और अब की बार जिस तरह से जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, तो एक अच्छे मार्जिन से इस बार और पिछली जो हमारी जीत की जो मार्जिन था उससे बढ़कर इस बार ये मार्जिन रहेगा, क्योंकि भरपूर आशीर्वाद आपने भी देखा होगा। और जिस तरह से आज ये मंडी में हमारा डोर टू डोर है जिन लोगों से मिलने का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। एक तरफ धर्मपाल गोंदर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लगता है कि जो निसिंग क्षेत्र के जो काफ़ी सारे आसपास के गांव हैं वहां पर अपना समर्थन जुटा लिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपके मन में कोई डर की, कोई भय की, कोई मन में कोई संशय तो नहीं है? मेरे मन में कोई भय नहीं, कोई ना किसी तरह का कोई दिक्कत है, सभी प्रयास कर रहे हैं और जल्द आपको 24 तारीख को मिल जाएगा कहाँ कौन खड़ा था, कहाँ किसने क्या किया क्या नहीं, ये सब मामला आपको 24 तारीख को पता लग जाएगा जी। हलके की अगर बात की जाए, नीलोखेड़ी हलके की, काफ़ी सारे विकास कार्य आपने बताया, पहले भी आप बता चुके हैं कि काफ़ी सारे विकास कार्य के, अभी जो अधूरे विकास कार्य उसको लेकर आपने जनता से क्या क्या वादे किए हैं, क्या उनको पूरा करवा पाएंगे सर आप? नहीं, जो 5 साल में कुछ काम रह गए हैं जो नहीं हो पाए, इन 5 सालों में हमने वादे किए हैं, जिस भी गाँव में शहर में गए हैं जो जो उन्होंने बताया कि हमारी ये कमी है, तो इन आने वाले 5 सालों में हम उनको दूर करने का काम करेंगे। जल्दी चलियो प्रजापत जी, तेज कर लो थोड़ा तेज। बढ़ गया। जय हो। आज निशंक की इस अनाज मंडी में, इस चुनावी सभा में मंडी एसोसिएशन के प्रधान और सभी सम्मान के योग्य पदाधिकारीगण मेरे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित, सभी आसपास के आए, क्षेत्र के आए हुए मेरे बुजुर्गों साथियों, आज आपके बीच में जैसे आप सभी जानते हैं 21 तारीख को इस प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, और हमने आने वाले अगले 5 सालों के लिए कैसा हमारा अगला मुख्यमंत्री हो, कौन हमारा विधायक हो, इसका फैसला करना है, और इसकी सारी कमान यह सब आप लोगों के हाथ में है। कैसे आपको विधायक चाहिए, कैसा आपका मुख्यमंत्री चाहिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इन 5 सालों में आप लोगों ने जो 2014
में ईमानदार नेतृत्व इस प्रदेश को दिया माननीय मनोहर लाल जी के रूप में, जिन्होंने 5 सालों में व्यवस्था बदलने की जो उन्होंने बात कही थी, हर सिस्टम में, चाहे नौकरियों की बात हो, वो दफ्तरों में जिस तरह से बाबुओं का डंडा चलता था, बिना पैसे काम नहीं करने काम नहीं होते थे, उसको सुधारने की बात हो, साथियों ने कठोर से कठोर फैसले लिए और इन 5 सालों में अपने प्रदेश को एक नई दिशा, बहुत से विधायक बनाए, मंत्री बनवाए, उन सरकारों का कामकाज भी देखा, उनको जब 5 साल में जीत कर 5 साल राज करते थे और वोट के टाइम आपके बीच में आते थे और आपको बड़ी बड़ी बातें करके वोट ले जाते